नमस्कार, मैं शालिनी। आइए आज मैं आपको भिंडी की सब्जी, गीली सब्जी बनाना बताती हूँ। इसके लिए हम लेंगे भिंडी, प्याज, ये मेरा अदरक मिर्ची का पेस्ट है, मैंने लिया है सरसों का तेल, ये मेरा 5 फोरन है, नमक, हल्दी, नींबू आधा है, आधा टुकड़ा नींबू है, और ये मेरा धनिया, काली मिर्च का पाउडर है, और हींग लेंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। मैंने 2 चम्मच के करीब कढ़ाई में तेल डाल दिया है। ये जैसे ही थोड़ा गर्म हो हम इसमें 5 फोरन डालेंगे। ये मैंने 5 फोरन लिया है। 5 फोरन होता है सौंफ, अजवाइन, मेथी, कलौंजी और राई। ये 5ों को मिलाकर 5 फोरन बनाया जाता है। वही मैंने इस तेल में डाल दिया है। इसमें अच्छी लगती है 5 फोरन। उसके बाद जैसे ये थोड़ा क्रैकल होना चालू हो जाए तब मैं इसमें हींग डालूँगी। इसमें ध्यान ये रखना है कि मेथी को जलने नहीं दें। मेथी जलती है तो कड़वी हो जाती है, इसलिए बस इतना ध्यान रखें कि जैसे ही क्रैकलिंग शुरू हो आप इसमें सब कुछ डालना शुरू कर दें। हो गई है, मैं इसमें हींग डालूँगी थोड़ी सी। इसके बाद मैंने जो अदरक मिर्ची अदरक और मिर्ची का पेस्ट बनाया है वो डालूँगी। इसको थोड़ा भूनने के बाद मैं इसमें प्याज डालूँगी। मैंने इसमें 1 इंच का टुकड़ा अदरक और 2 मिर्ची डाली है। हरी मिर्च लाल हो गई है, वही डालना है। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी, हो गई है थोड़ी भून गई, प्याज डालूँगी। मैंने इसमें 4 छोटे प्याज है, मीडियम साइज के 4 प्याज डाल दिए। इसमें प्याज अच्छी लगती है, मैंने इसमें 4 प्याज डाल दिए हैं। पालती में मैंने भिंडी लिया है 250 ग्राम, इसमें मैंने 4 प्याज डाले हैं, अच्छी लगती है, इसको ग्रेवी बनती है। इसको मैं थोड़ा लाल हल्का सा भूनूंगी, उसके बाद इसमें भिंडी डाल दूँगी। जो ज़्यादा लाल नहीं करना है उसको, बस हल्का ही भून लेना है, फिर ये भिंडी के साथ ही भुनी जाएगी। अब मैं इसमें भिंडी डालूंगी। थोड़ी भूनने के बाद प्याज को थोड़ा भून लें, उसके बाद मैं भिंडी डाल दें। अब मैं इसमें नमक हल्दी वगैरह डालूंगी। नमक स्वाद के अनुसार ही डालें, कोई कम खाते हैं कोई ज़्यादा खाते हैं, उसके अनुसार ही इसमें डालें। ऐसे इसमें 1/2 छोटा चम्मच से नमक जाएगा ही। इस तरह से इसी तरह से मिक्स करके इसमें हल्दी डालेंगी।
और मैंने ये धनिया के पाउडर को थोड़ा पानी में घोल लिया है, उसको मैं डालूंगी। ये मेरा एक छोटा चम्मच है, पानी में घोलने से थोड़ा ये फूल जाती है, अच्छी तरह से मिक्स भी होती है। मैंने प्याज भून के इसमें भिंडी डाल दिया, अब सारे मसाले भी डल गए हैं। अब मैं इसे थोड़ा ढक कर पकाऊंगी, एकदम सीम आँच पर इसे धीरे धीरे ढक कर। भिंडी बिल्कुल पक जाती है इस तरह से ढक कर। 5-10 मिनट मैं इसे 5 मिनट ढक कर पकाऊंगी, फिर मैं दिखाती हूँ कैसा होता है। उसके बाद में इसमें पानी डालूंगी। देखिए मैंने ढक कर 5 मिनट पका लिया, ये बिल्कुल भिंडी पक गई है, आप इसे दबा कर देख सकते हैं पक गई है भिंडी। अब मैं इसमें पानी डालूंगी कढ़ी बनाने के लिए। ये मैंने 1/2 लीटर कढ़ी इसमें पानी डाल दिया है, बस इसको कढ़ी बनाना है। चपाती के साथ कढ़ी वाली रोटी अच्छी लगती है, चपाती के साथ कढ़ी वाली सब्जी अच्छी लगती है। बस अब मैं इसे थोड़ा कढ़ी तैयार करके फिर इसमें नींबू डालूंगी। मैंने 250 ग्राम भिंडी लिया था, देखिए इस तरह से ये बिल्कुल ये पकी हुई है, केवल मुझे इसका कढ़ी तैयार करना है इसलिए मैंने इसमें पानी डाला है। फिर मैं दिखाती हूँ, इसको थोड़ा बॉयल होने अभी छोड़ूंगी। जब बॉयल हो जाएगी, थोड़ी कड़ी टाइप की हो जाएगी, तब मैं इसको बंद करूँगी। ये देखें इस तरह से मैंने अभी भिंडी की कड़ी बना ली है। मैंने इसकी कड़ी बनाने के लिए इसमें 2 ग्लास पानी डाल दिया था भूनने के बाद। बिल्कुल भिंडी पक जाती है भूनते भूनते, ढक कर आप 5 मिनट उसे रखेंगे तो वो बिल्कुल पक जाएगी। उसके बाद मैंने इसमें 2 ग्लास पानी डाल दिया, इसकी थोड़ी कड़ी तैयार हो। कड़ी बनाने के लिए पानी इसलिए डालना है ज़्यादा, क्योंकि सब कुछ को अच्छी तरह से मिलना चाहिए इसमें, और तब कड़ी अच्छी बनती है। तो ये मेरी बिल्कुल कड़ी तैयार हो गई है। देखिए पानी डालने के बाद मैंने जो थोड़ा बॉयल होने छोड़ दिया, ये इतनी सुंदर सी बन के तैयार हो गई है, ऐसी दिखती है ये। ये रोटी के साथ खाने में अच्छी लगती है, रोटी में सूखी सब्जी से ज़्यादा अच्छी कड़ी वाली सब्जी ही लगती है। अब मैं इसमें नींबू डाल दूँगी, मैं गैस बंद करके और इसमें नींबू डाल दूँगी। मैंने पूरी 1/2 नींबू नहीं डाली है इसमें, 1/4 ही डाला होगा जूस इसमें, ज़्यादा नहीं डाला है। 1 चम्मच आप जूस निकाल कर इसमें डाल दें, अच्छी लगती है नींबू का इसमें जूस डालने से। या आपके पास नींबू अवेलेबल नहीं है तो अगर आमचूर का पाउडर है तो उसी वही थोड़ा सा आप इस पर डालकर और अच्छी तरह से मिला दें। इस तरह से तैयार हो जाती है भिंडी की कड़ी वाली सब्ज़ी। आप इसे रोटी के साथ खाएं, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी लगती है ये खाने में। और आप अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, और अपने चैनल और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।